ये वीडियो उसी दिन की है जब हम 1 BHK का फ्लैट भी साथ में हम मुझे दिखा रहे थे, तो वो आपको मैं दिखा रही हूँ। आवाज़ सही नहीं आ रही होनी, सॉरी, गले में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, ठीक ही होने में नहीं आ रही। तो ये है हमारा 1 BHK का रूम, इसमें छोटा सा हॉल है और छोटा ही इस पे सोफा रखा हुआ था, पर बहुत अच्छा था। ये सिंगल बैचलर के लिए सेट सही रहेगा, क्योंकि फैमिली वाले के लिए तो 2 BHK ठीक रहेगा और 3 BHK, पर महंगे बहुत है, हमारे बजट से बाहर है। और यहाँ पे एक अलमारी थी, रजाई या कुछ भी हमें अपने ड्रेस वगैरह रखने के लिए, एक छोटी सी किचन थी, यहाँ पे इन्होंने माइक्रोवेव रखा था शायद, और हाँ माइक्रोवेव ही है ये। और इसमें मैं नीचे देख रही थी अलमारियाँ जिसमें बर्तन वर्तन भी रखते हैं, और ऊपर भी ये वाले इसमें डोर वाले ये लगी हुई थी अलमारियाँ। मिनी किचन बहुत ही प्यारी थी। और उसके बाद ये साइड में एक जो पढ़ाई करने के लिए चेयर लगी हुई थी, ये बता रहे थे कि इसमें रजाई वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ड्रेस वगैरह। और यहाँ पे बाहर किले गैलरी के लिए रास्ता है, साथ में स्टडी करने के लिए चेयर लगाई, और ये चारों तरफ का वहाँ का व्यू है। यहाँ काम लगा हुआ था क्योंकि फ्लैट बनते जा रहे हैं, अब बहुत कम जगह ऐसी रही जो कहाँ खाली रही है, दिखते जा रहे हैं फ्लैट। और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, तो मैं यहाँ पे एक राजीव को बोल रही कि मेरी पिक ले दे, ऐसी का निकालेंगे। और यहाँ मैं जब ऐसे देख रहे थे फ़ोन में तो नज़दीक दिख रहा था, अगर ऐसे देखे तो दूर दिख रहा था, कुछ ऐसे ही हम आपस में मैं और राजीव देख रहे थे कैमरा को हटा के, फ़ोन को हटा के, बिना फ़ोन से भी। और यहाँ झूले भी लगे हुए थे, बस अब हम वापसी निकल रहे थे। इसी के साथ एक सोलन में पार्क भी है, पर वो वहाँ पार्क में ले चलते हैं अब आपको पार्क में। ये पहले जैसा पार्क नहीं रहा, जैसे बहुत सालों पहले रहता था, इसमें बहुत रौनक रहती थी, बहुत लोग रहते थे और बहुत ही अच्छा फूलों से सजाया होता था। अब तो इसमें घास भी नहीं निकलवाया है, मतलब उजाड़ा सा पड़ गया यहाँ पे, बहुत ही बेकार कर दिया यहाँ पे। अब तो ये है कि यहाँ पे जो टाइलें है ये सही है, बाकी फूल फाल कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इसकी लापरवाही कर दी है। बहुत अच्छा पार्क हुआ करता था ये पहले, यहाँ पे लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आते थे, घूमने फिरने के लिए काफ़ी टाइम से लोग आते रहते थे। तो बस ऐसे ही मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। एक याद तो होती है भी हम किस दिन कहाँ गए थे, बाकी हमारा ऐसे क्या कोई इरादा नहीं होता कि हम अपना फेस दिखा रहे या कुछ दिखा रहे हैं। ये एक यादें होती है जो हम अपने वीडियो में संजो के रख सकते हैं। और है भंडारी करे नंदी किस बारी भोले नाथ रे, यहाँ मैं गाना गा रही थी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोले नाथ रे, भोले नाथ रे, नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोले नाथ रे, शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। पहले की तरह नहीं रहा अब। पहले यहाँ पे झरने चलते थे और बहुत ही अच्छा था, चारों तरफ झरने, पानी की फुहारें चलती रहती थी। और अब तो ये बिल्कुल खाली है, मतलब इसकी केयर नहीं रही इस वाले पार्क की, अब बिल्कुल केयर नहीं रही। और कोई यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं रखता, और लोग भी आते हैं होंगे तो यही है सोलन में, थोड़ी देर के लिए आते होंगे और चले जाते होंगे, क्योंकि अब खास सा यहाँ मूर्ति है बस शिव जी भोले शंकर की। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। राजीव इधर आइयो। और नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हमारे सोलन का व्यू है चारों तरफ का, मतलब चारों तरफ का तो क्या है कि ये ना ऊपर करोल की, चंबा घाट से करोल का टिब्बा बोलते हैं, यहाँ का करोल वाली पहाड़ी दिख रही है, ये बरूरी दिख रही है, बरूरी की सड़क जो शिमला रोड जाता है वो दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब बहुत घर हो गए अब। चले चल।